2010 में आगा खान की अगुवाई में और बहुत सारे समाज हमारे लोगों के समाज सुधारों की अगुवाई में अंग्रेजों को एक ज्ञापन दिया गया कि आप धर्म के नाम पे सेंसस कराओ, जनगणना कराओ। और 1910 में अंग्रेजों ने वो बात मान के 1910 में जनगणना कराई। उस जनगणना के अंदर 10 सवाल ऐसे थे जो दूसरे धर्मों को हिंदू धर्म से अलग करते हैं, यानी ये पहचान बताते हैं कि ये तो हिंदू हैं और बाकी दूसरे धर्मों के लोग हैं। और उसमें से 5 सवाल वो थे जो हमारे समाज में लागू होते हैं। वो 5 सवाल कौन से थे जरा सुन लीजिए, जिन्होंने पढ़े हैं वो बहुत अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं पढ़े वो पढ़ सकते हैं। बाबा साहब के जो 21 वॉल्यूम निकले उसमें से एक वॉल्यूम है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। पहला सवाल ये था जनगणना में कि क्या आप, सबके लिए था, क्या आप लोग ब्राह्मणों को अपना पुरोहित मानते हो। और हमारे लोगों का पूरे देश से रेस्पॉन्स आया कि हम ब्राह्मणों को अपना पुरोहित नहीं मानते। दूसरा सवाल उसके अंदर था, क्या ब्राह्मणों से मंत्र लेते हो। हमारे पूरे लोगों का 100% लोगों का यह था कि हम ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते। तीसरा सवाल है कि क्या आप ब्राह्मणों से शादी संस्कार या दूसरे संस्कार कराते हो। तो हमारे लोगों ने कहा, संस्कार कराने की बात तो भोर दूध की है, हम लोग तो ना उनकी बस्ती में जा सकते और ना ब्राह्मण हमारे पास आ सकता, क्योंकि वो हमें अछूत मानता है और हमारे आगे कुल्हड़ और पीछे झाड़ू बंधवाने का काम मनुवादियों का रहा है, इसलिए हम उनको भी नहीं मानते। चौथा सवाल था क्या मंदिर के गर्भ में जा सकते हो। मंदिर का गर्भ का मतलब है जहां मेन मूर्ति लगी हो, मुख्य जो खास मूर्ति लगी हो। तो हमारे लोगों ने क्या कहा, सुन लो जरा ध्यान से। हमारे लोगों ने कहा, जिन मंदिरों पे लिखा हुआ है कि यहाँ कुत्तों का और अछूतों का आना मना है, हम उसके पास भी नहीं फटक सकते, हम उसे छू भी नहीं सकते, और मंदिर में गर्भ में जाना तो बहुत बड़ी बात है। और पांचवा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, उन्होंने कहा, क्या आप बीफ खाते हो, क्या आप गाय भैंस का मांस खाते हो। और हमारे 100% लोगों ने लिखा कि हमारे पुरखों को कुछ खाने को नहीं मिलता था, इसलिए मजबूरन हम लोगों को मरे हुए गाय और भैंस का मांस खाना पड़ता था, मैली खानी पड़ती थी और दूसरे के फेंके हुए टुकड़े खाने पड़ते थे। तो बाबा साहब ने 5 चीजों को पढ़ा और 5 चीजों को बेस पे बाबा साहब ने कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। और जो बाबा साहब को मानना चाहते हैं, मारना चाहते नहीं, कुछ लोग मारने का काम भी कर रहे हैं, जो बाबा साहब को मानना चाहते हैं और मानते हैं, उनकी सबसे पहली बात, सबसे पहली शर्त मेरी यह है कि वो लोग बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें और दूसरे को भी चलाने का काम करें।